एक किसान एक दो के बीच में 60 फीट के बीच में नींबू का पेड़ लगाएगा, या हर किसान अपने अपने स्तर पे 5-5, 10-10 पेड़ लगाएंगे, तो ये इतना बड़ा इनकम होगा कि उसको धान से जो पैसा नहीं मिल रहा है इससे मिलेगा, इससे पैदावार मिलेगी, क्योंकि आज फ्रूट की डिमांड बढ़ रही है। इस वर्ष हमारे यहाँ सीताफल 100-100 रुपया 200-200 रुपये किलो तक बिका है हमारे यहाँ बड़े सिटियों में, तो वो एक मार्केटिंग का बहुत सुंदर तरीका होगा। तो इसमें नींबू लगाया तो क्या होगा, आपने हम जो खाद की क्रिया बताएंगे वो खाद दिया आपने, तो एक एक पेड़ कम से कम 3-3 हज़ार नींबू आपको सालाना देगा। अब 3 हज़ार नींबू देगा, अभी हमारे यहाँ 1 रुपये का एक नींबू होलसेल में बिकता है, रिटेल में 10 रुपये के 3 बिकते हैं रिटेल में। अब होलसेल की बात करते हैं तो 3-3 हज़ार का एक एक पौध हो गया। अब इसके बीच में किया तो आपको धान से ज़्यादा वो लाइन में आपको पैसा मिल गया। आपने करोंदा लगाया, करोंदे का भी पैसा उतना ही महंगा, 50 रुपये किलो करोंदा बिकता है हमारे यहाँ, आपके यहाँ क्या बिकता नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ 50 रुपये। सीताफल 100 रुपये किलो से लेके तो 200 रुपये किलो तक हमने उसका क्वालिटी का सीताफल बेचा है। इस तरह से इनके बीच में इनको बच्चे जैसे पाल के अपने खेत को सस्टेनेबल बनाना है। सस्टेनेबल तब होगा जब आप पानी को पैदा करेंगे, जब आप इकोलॉजी को पैदा करेंगे। इस तरह से अब होगा क्या, धीरे धीरे आपके खेत में ऐसे पेड़ लग गए तो नंबर ऑफ बर्ड्स बढ़ते जाएंगे। नंबर ऑफ बर्ड्स बढ़ गए तो उनके द्वारा ही सारा कीटों का नियंत्रण का एक सिस्टम चालू। जैसे कल मैंने कहा कि वो मांसाहारी को भी खाते हैं और शाकाहारी को भी खाते हैं, पूरा कंट्रोलिंग करने का काम, तो वो बर्ड्स के द्वारा पूरा ये कंट्रोलिंग का काम उनको पूरे फार्म में आपका चलते रहेगा। इस तरह से सर जोटा कहते हमारे जो गछ मैंने लगेद बॉर्डर में पूर्व पश्चिम दिग अनुसार पूर्व दिग लगेद तापर से गछ गछ मध्य मिनिमम 60 फिट माने आम डिस्टेंस रखा 60 फिट डिस्टेंस रखला परे से भितर आम विभिन्न प्रकार फल जमी आम ये सीताफल होपर सार कहार अनुसार करंदा करंदा भी गोटे फल जोटा आम एरिया हुए नी कि से फल को भी लगे तार जो मैंने आम फलर को आम जाम जेली अनुसार करपर ओपन मार्केट रे बिकले भी वैल्यू आम के जी 50 टाँचा रोच सीताफल ए 100 टाँचा भी बिक्री है के जी ताकू छाड़ी आम लेंबू गछ को भी आम ये मैंने लगे पार तो ये सब फ्रूट गछ जी फ्रूट्स आम डायवर्सीटी रखा तो ताद्वारा कौन हम सार कहार धान चाषर जितकी प्रॉफिट मिलू न मिलू किंतु आम बॉर्डर रु जी प्रॉपर वे आम लगे पार्ला तो से प्रॉफिट आमको बॉर्डर रु ही मिलजि आई गछ जो बड़ बड़ गछ अच्छे तार डाल विभिन्न प्रकार मानने आमर बार्डस मैंने आम पक्षी मैंने आसिक बसवे पक्षी मैंने आसिक बसिले कौन हम आम फिल्ड में जो जी प्रकार कीट पतंग थी ताको खाइबे खावा द्वारा आम नेचुराली प्राकृतिक उपाय कीट पतंगर आम दाऊ रु आम क्षेत्र को आम रक्षा करें।